लैब के लिए क्या करना है कि एक सेंटर लाइन लेनी है, ठीक है। यहाँ पे एक सेंटर लाइन लेनी है और ये इसका बेस हो गया, ठीक है। और यहाँ ये हम एक जग बनाने वाले हैं, तो यहाँ 2 पॉइंट मतलब ऊपर के किनारे के लिए और ये नीचे का बेस हो गया, इस पे अपने को तिरछी लाइन देनी है, ठीक है। तो यहाँ हम थोड़ा सा तिरछा दोनों तरफ से इक्वल रख लीजिए इसको। ये जो सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन से आप इस टाइप के एक शेप बना लीजिए, ठीक है। अब इस लाइन को थोड़ा सा कर्व लाइन कर दीजिए, इस लाइन को थोड़ा सा कर्व कर दीजिए। ड्राइंग के लिए मैंने ये ग्लास पेंसिल है ये यूज़ किया है, अगर चारकोल हो वाइट चारकोल तो और भी बेस्ट है। तो यहाँ मैं हल्का सा इस लाइन को भी थोड़ा सा कर्व कर देना है यूँ, और ये जो कोना है ये हल्का सा टेपर लेना है, तो इस तरीके से अपनी ये ड्राइंग बनेगी, हल्का सा इसको भी आप टेपर कर सकते हैं और फिर ये आपकी लाइन बन जाएगी। तो इस तरह ये हम बनाने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ हैंडल बना दीजिए, ये हैंडल जैसा कि हमने पिछली क्लास में सीखा था इसको बनाना वैसा ही, ज़्यादा मैं हाइट नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा पेपर छोटा है, वैसे इसकी थोड़ी सी और हाइट जानी चाहिए पर अपने पास पर्याप्त स्पेस नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा इसकी हाइट नहीं रख रहा हूँ, ठीक है। इतना सा ही है तो इसी में बनाने की कोशिश करेंगे। हेलो पूजा जी, नमस्ते। एक बार आप लोगों में से कोई इन्फॉर्म कर दीजिए क्लास स्टार्ट हो गई है, अगर और भी कोई ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं। तो ऐसे मेन सेंटर लेके यहाँ का एरिया तो छोटा, दोनों तरफ इक्वल ये और ये दूरी बराबर रख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से ये छोटा एरिया यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर देना है सेंटर पॉइंट से लेकर के, फिर यहाँ थोड़ा सा स्पेस दे देना, ये इसकी गर्दन, ये ऊपर का पार्ट है जो कि अगर हम ऊपर से देखें तो थोड़ा कर्व लाइन है पर इसको हम यहाँ से हल्की सी नॉर्मल लाइन के साथ ऐसे बना रहे हैं, तो ऐसी शेप बनानी है। अच्छा, इसके साथ में यहाँ पे हम एक फ्रूट्स बना रहे हैं, तो इसका भी आपको पहले एक सेंटर बना लेना है, गोला बना लीजिए, अगर आपको ड्राइंग में दिक्कत है तो एक गोला बना लीजिए, ठीक है। इसी में एक छोटा गोला और ऐड कर रहे हैं, तो इसकी जो शेप जैसे कि हम इस तरीके से बनाने वाले हैं, ये इसका सेंटर पॉइंट, यहाँ से एक डंठल बना देना है, तो इस तरह की आपको एक शेप बना लेनी है। इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, हल्का सा इसको लंबा कर देना है, ठीक है। इसका यहाँ से यहाँ तक इसकी शेडो का भी आप दिखा दीजिए थोड़ी सी इसकी शेडो के लिए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अभी जैसे हमने वैसे एप्पल बना रखे हैं तो एप्पल ही रख लेते हैं, ठीक है। तो आपकी वापस से प्रैक्टिस हो जाएगी, यहाँ से ऐसी शेप बना लीजिए गोला टाइप में, एक गोला हल्का सा उस गोले को नीचे की तरफ से आप थोड़ा सा छोटा कर दीजिए ऐसे, या इसी टाइप से जो बेरी वगैरह या इस टाइप का कुछ रख सकते हैं, और या यहाँ पे हम थोड़ा सा ग्रेप्स का भी बना सकते हैं, ग्रेप्स वगैरह या चेरी वगैरह कुछ बना लीजिए, यहाँ पे भी ऊपर भी आप रखना चाहे तो यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। ये तो अपन कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं ग्रेप्स थोड़े बोल्ड बना रहा हूँ, हल्के से बड़े, ताकि अपने को थोड़ा सा ब्लेंडिंग में भी आसानी हो जाए। ये हाँ इधर से भी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ लटका दीजिए, कुछ ऊपर इस टाइप से रख लीजिए, थोड़ा सा बहुत है, एक इतना सा भी बना लेंगे। और ये टेबल के ऊपर या किसी एक चीज़ के ऊपर रखे हुए हैं तो इसके लेवल पे इधर और इधर आपको ये बेस बना देना है, ठीक है। एक आध नीचे गिरी हुई भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं,
या इसमें कोई बेरी वगैरह कुछ और चीज़ आप दिखाना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे दिखा दीजिए। ठीक है, यहाँ अगर आपको इसमें और एडिशनल कुछ करना है तो पीछे के बेस पे आप कपड़ा वगैरह कुछ, ठीक है, यहाँ कपड़े का भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ हिंट कि एक कपड़ा भी आप ऐसे पीछे जाता हुआ या इस तरफ यहाँ एक कपड़े का भी शेडो दिखा दे सकते हैं। तो ये हमारी ड्राइंग हो जाती है। अब इसमें कलरिंग करते हैं तो सबसे पहले इसी वाले पार्ट को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ जो हम यूज़ करने वाले हैं सॉफ्ट पेस्टल की लास्ट क्लास होगी, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे क्लासें कर सकते हैं पर हमारे पास एक लिमिटेड टाइम होता है तो हम चाह रहे हैं कि सभी मीडियम आपको थोड़ा थोड़ा वापस कर दें। और ये हमने अभी तक जो किया है उससे रिलेटेड भी है। तो यहाँ जो ग्रीन यूज़ करने वाले हैं, ग्रीन के अंदर आपके पास एक ये शेड है, ये दो हो गया, और एक ग्रीन का, ये तीन शेड हो गए हैं हमारे पास। अब ब्लैक पे ब्लैक तो दिखेगा नहीं तो मैं पहले ये वाला शेड ले रहा हूँ यहाँ पे, और इसका जो डार्क एरिया है देखिए यहाँ नीचे, जैसे अगर इस तरफ से रोशनी आएगी तो थोड़ा ऊपर के साइड में रोशनी जाएगी तो ये आपको डार्क एरिया। अच्छा देखिए ये पेपर की क्वालिटी कितनी ख़राब है कि यहाँ पे ये टेक्चर है इसके अंदर तो यहाँ अच्छे से नहीं चल रहा है ये पेपर पे, मतलब एकदम स्मूथ ब्लेंडिंग हो जानी चाहिए और वो भर जाना चाहिए। अब इसमें ये टेक्चर की वजह से प्रॉपर शेप नहीं आ पा रही है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम इस पर कोशिश करते रहेंगे। अच्छा ये मैंने थोड़ा सा डार्क जो कलर है ये यूज किया है, इसके बाद में मैं यहाँ जो बाहर की शेप है वो अपने को दिख जाए इसलिए मैं बाहर की शेप पे हल्का सा ये मान लीजिए रिफ्लेक्शन लाइट जैसे, ये मैंने बैंगनी कलर है पर्पल कलर ये यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद में इसके यहाँ से मैं ब्लैक यूज़ करूँगा इस पे डार्क को ब्लेंड करने के लिए, यहाँ यहाँ का पार्ट थोड़ा सा डार्क दिखाना है आपको, तो ये ब्लेंड कर देना और हल्का हल्का इसको यहाँ इसके साथ मर्ज भी कर देना। ये वाला जो कलर है जो हमने नीचे की सतह पे लगाया है इसको हल्का सा ब्लेंड कर देना है, ठीक है, तो ये अपने को आउटलाइन दिखती रहेगी इस तरीके से, हल्की सी आउटलाइन दिखती रहे। फिर आपका ये कलर हल्का सा ये कलर आपको, अच्छा यहाँ बैंड देना है ये जो एरिया है, जैसे कि हमने कल जो बनाई थी ऑयल पेंटिंग की उसमें यहाँ पे थोड़ा सा बैंड है ना, ये एरिया उठा हुआ है और यहाँ पे थोड़ा बेंड है, तो इसके लिए मैं ये कलर यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा आगे ले रहा हूँ और हल्का हल्का इसको ऐसे इसके साथ ब्लेंड कर देना है, तो और इसको उंगली से हल्के हाथ से ही ऐसे ब्लेंडिंग कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ मैंने ये जो डार्क कलर डार्क ग्रीन है ये यूज किया है और इसके पास में इसका जस्ट लाइट, ये इस कलर का जस्ट लाइट कलर है ये, तो इससे मिलता जुलता हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की सतह पे ये कलर यूज करेंगे और थोड़ा सा इसको हाईलाइट देने के लिए। तो यहाँ थोड़ा सा बैंड, फिर इसके आगे, अब ये एरिया ऊपर का है हाईलाइट के लिए छोड़ा है तो हम डार्क कलर से यूज़ कर रहे हैं, नीचे नीचे हमने डार्क कलर लिया है। यहाँ यहाँ आपको डार्क, फिर इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे ये फास्ट ग्रीन क्योंकि इसका मेन कलर तो यही है, तो यहाँ हम और इसको फास्ट कर रहे हैं, इसके इर्द गिर्द यहाँ यहाँ, ठीक है, यहाँ यहाँ, और इसको भी थोड़ा सा इसके बाद येलो कलर लेंगे इसमें भी थोड़ा फास्ट करने के लिए, सॉरी येलो में कौन सा आ रहा है, तो यहाँ हम येलो कलर ले रहे हैं ये इसको और फास्ट कर देगा, तो ऊपर की रोशनी यहाँ से येलो के अंदर, फिर ब्लेंडिंग करेंगे एक साथ ही, ठीक है। अच्छा नीचे अपने को दिख रहा नहीं है ना, तो नीचे के लिए आप थोड़ा सा ये कलर ले लीजिए थोड़ा सा लाइट ताकि अपने को
ये दिख जाए थोड़ा सा, और इसको और हाईलाइट करने के लिए इसमें हम थोड़ा सा वाइट ऐड कर लेते हैं, ठीक है, हल्का सा वाइट ऐड कर रहे हैं। अच्छा, वाइट ही आपको ऊपर की हाईलाइट पे देना है, यहाँ का जो एरिया है ना, ये टॉप, यहाँ हाईलाइट गिर रही है, तो यहाँ थोड़ा सा आपको वाइट यूज करना, और वाइट ही आपका धीरे धीरे यहाँ ज़्यादा आएगा, इस तरफ हाईलाइट वाला एरिया है ये, तो यहाँ आपको हाईलाइट इसकी देनी है। अच्छा, इसके अलावा ये जब रोशनी आपकी इधर से आ रही, तो यहाँ थोड़ा इधर से, ठीक है, यहाँ से भी थोड़ा सा हाईलाइट। अब इसमें वापस से हम थोड़ा येलो मिक्स करेंगे, यहाँ पे येलो, अगर येलो का आप थोड़ा सा डल कलर लें तो इसमें दूसरा कलर भी ऐड कर सकते हैं, येलो से मिलता जुलता, डायरेक्ट हम यहाँ नहीं जा करके इसके आसपास से ऐसे ब्लेंड करेंगे। तो तीन चार कलर यूज कर लिए हमने, एक तो ले लिया हमने डार्क ग्रीन, ठीक है, जो यहाँ यहाँ लगाया हमने, ठीक है, नीचे के बेस को, जो कि रोशनी का अपोजिट साइड है, रोशनी इस तरफ से आ रही है, तो हमने यहाँ पे डार्क कलर यूज कर लिया। फिर इससे थोड़ा सा लाइट लिया है जो आपके आधे पार्ट पे आएगा, ठीक है, आधा पार्ट आपका रोशनी भरा हुआ दिखेगा, तो यहाँ हमने ये थोड़ा सा लाइट कलर यूज कर लिया। फिर मेन कलर क्या है कि अपना और हाईलाइट का है, तो इसके ऊपर फिर हमने यहाँ और हाईलाइट कर दिया इसको, ये वाला और हाईलाइट। फिर इसको शाइनिंग देने के लिए इसमें जो ज़्यादा हाईलाइट, जैसे ग्रीन में और ज़्यादा रोशनी गिरेगी तो वो थोड़ा येलो दिखेगा, येलो टोन का दिखेगा, तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा येलो लगा लिया। अब अपने को क्या करना है, इसको हल्के हाथ से ब्लेंड करना है, तो मैं यहाँ से जो मीडियम कलर है और एक यहाँ इस साइड से थोड़ा सा ब्लेंड कर रहा हूँ, इसको हल्के हल्के हाथ से ब्लेंड करना है, तो ये बाहर की सतह ब्लेंड की, उसके बाद अंदर की सतह, ये थोड़ा सा डार्क कलर को, यहाँ अंधेरा अंधेरा दिखेगा, यहाँ यहाँ पे थोड़ा अंधेरा, फिर हम इस साइड पे आ रहे हैं। अच्छा, ये थोड़ा स्मूथ होता ना पेपर, तो ये छोटे छोटे टेक्चर इसमें नहीं दिखते, तो और थोड़ा अच्छा लगता। यहाँ ये अंधेरा, मतलब थोड़ा डेप्थ के दिखाने के लिए मैंने यहाँ थोड़ा सा डार्क कलर यूज किया है। फिर हम इस साइड में आ गए, अब इसके बाद येलो टोन में चलेंगे, यहाँ यहाँ से थोड़ा येलो लगाना है, यहाँ यहाँ से येलो लगाना है, फिर इसको ऊपर की साइड में ऐसे ब्लेंड कर देना है, फिर यहाँ हाईलाइट की तरफ, ये वाइट की हाईलाइट है, तो इस तरीके से आपको हाईलाइट कर देना है, ठीक है। फिर इसमें हम थोड़ी सी और रोशनी डालना चाह रहे हैं, तो यहाँ वाइट से रोशनी करेंगे, इसमें जो इसकी शेप है थोड़ी सी सही बना दें, ऊपर ऊपर थोड़ा हाईलाइट, ये हाईलाइट जो है थोड़ी पीछे की साइड में भी जाएगी, तो इसकी बैक साइड पे थोड़ा सा हाईलाइट, ठीक है, यहाँ पे बैक साइड में, और थोड़ा सा ये जो एरिया है यहाँ पे हाईलाइट, फिर इसके बाद में यहाँ यहाँ आपके हाईलाइट आएगी, तो इसको हल्का हल्का और ब्लेंड कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके की शेप बना देनी है। अच्छा, इसके नीचे जो है आपको डार्क कलर देना है, ठीक है, यहाँ पे डार्क कलर देना है, तो इसकी शेप की पहले कटिंग कर लेनी है, ऐसे आराम से ऐसे कटिंग करके, यहाँ नीचे थोड़ा सा डार्क, अब डार्क में डार्क नहीं दिखेगा, तो इसके आसपास में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्राउन कलर लेंगे, इसके आसपास में थोड़ा सा ब्राउन, और इस डार्क को थोड़ा सा ब्लेंड कर दें, तो इसकी शेडो के दिखाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा डार्क, हल्का सा इसमें, और यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू भी एक आप ऐड कर सकते हैं, तो ये थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी, डिफरेंट कलर हो जाएगा इसका, ठीक है।
यहाँ आप थोड़ा सा चारकोल पेंसिल अगर आप यूज़ कर सकें तो इसकी जो शेप है यहाँ पे थोड़ा सा इसकी शेप को सही करते हुए थोड़ा सा इसमें चारकोल का भी आप दे सकते हैं, हल्का सा इफेक्ट, और इसकी शेप को सही कर दे तो ये पीछे पीछे का एरिया इस टाइप से आप बना पाएंगे। और अब बढ़ते हैं इस तरफ, तो यहाँ हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये ग्रेप्स बना लेते हैं। तो ग्रेप्स के लिए देखिए जो एरिया अंदर चला जाएगा, ये इसके नीचे का एरिया तो वो थोड़ा डार्क आएगा, तो यहाँ हम थोड़ा सा डार्क कलर ले रहे हैं। और ये प्लेन है तो इसमें भी रोशनी इधर से आ रही, तो इसका एक हिस्सा डार्क आएगा, इसका एक हिस्सा डार्क, ठीक है। तो आप सब में इसी टाइप से डार्क कर लीजिए एक एक हिस्से में, इसमें भी ऐसे हल्का हल्का डार्क कर लीजिए। फिर इस वाले में यहाँ थोड़ा सा, ये नीचे तो डार्क आ गया पर इसमें थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके, जैसे यहाँ पे भी स्पेस छोड़ा हुआ है यहाँ पे भी, तो इसमें स्पेस छोड़ के डार्क करना है। ये जो स्पेस है इसमें हाईलाइट, जैसे इस टाइप से हम थोड़ी सी हाईलाइट दे देंगे। फिर इधर आ जाइए, यहाँ पे कर दीजिए, फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ के इधर लगा लीजिए। तो वही दो तीन कलर जो हैं ग्रीन के, इसको थोड़ा तिरछा कर देते हैं, सीधा नहीं हो करके इसको थोड़ा इस टाइप से। फिर यहाँ पे इसके मुंह पे यहाँ पे बना रहे हैं, इसमें भी नीचे का एरिया थोड़ा सा डार्क, और ये पीछे का एरिया है तो यहाँ यहाँ थोड़ा सा डार्क कर दीजिए, ठीक है। इस तरीके से लगा लीजिए। हेलो निर्मला जी, हेलो ऋचा जी, हेलो नीलम गुप्ता जी। तो इस टाइप से आप करके इसमें हाईलाइट के लिए, जैसे अभी हमने हाईलाइट दी थी, तो इसी में भी आप बैंगनी कलर के हाईलाइट दे सकते हैं। तो नीचे की साइड में थोड़ा सा बैंगनी कलर यानी पर्पल कलर जो है ये हल्का सा ऐड कर लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा इसकी ये साइड भी, तो ये नीचे नीचे मैंने हल्का सा पर्पल कलर, जैसे रिफ्लेक्शन लाइट के अकॉर्डिंग, ठीक है, यहाँ पे साइड में कर देता हूँ, यहाँ नीचे नहीं आएगा तो यहाँ साइड में, और हल्का सा इसमें ब्लू का टच दे सकते हो, थोड़ा सा ब्लू, एक जगह कहीं पे भी थोड़ा सा। अब इसको हल्का सा ब्लेंड करते हैं, हल्का हल्का, या तो छोटी उंगली से ज़्यादा बेटर रहेगा, हल्का हल्का ब्लेंड कर दीजिए। पहले ये जो पर्पल वाला कलर है इसको थोड़ा सा ब्लेंड कीजिए। देखिए इसमें जितना आप अभ्यास करेंगे उतना बेनिफिट है, मैं सिर्फ टेक्निक सिखा रहा हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ इस काम में, पहले बता रहा हूँ, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको कि हर मीडियम का आपको नॉलेज हो जाए और टेक्निक का पता चल जाए। तो यहाँ हल्का हल्का मैंने ये कलर लिया, अब आप ग्रीन को और थोड़ा सा ब्लेंड कर दीजिए, ग्रीन वाले को भी हल्का सा ब्लेंड कर दीजिए। इसके साथ जितनी ब्लेंडिंग होगी ना उतना ही इसमें थोड़ा रियलिस्टिक लुक आएगा। अब इसका जो जस्ट लाइट कलर है ना, ये वाला कलर है, ये इससे थोड़ा सा लाइट, तो ये यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा और लाइट, ठीक है, इसको भी आप हल्का सा ब्लेंड कर दीजिए।
चलिए इसके बाद फिर हम और इसका लाइट लेते हैं, हल्का सा इसका लाइट और लेंगे। तो इसकी सेप यहाँ से सही करते हुए यहाँ पे और थोड़ा लाइट लगा दिया मैंने। यहाँ पे यही कलर लगा देता हूँ, फिर येलो डाल देंगे इसमें। तो जैसे हमने ये कलर उसी टाइप से यहाँ पे लेना है, और फिर इसमें येलो और डाल देते हैं लास्ट में, यहाँ पे येलो। शेप को सही कर दीजिए, यहाँ पे भी थोड़ा सा येलो डालना है। ठीक है, अब इसको हल्के हाथ से आप ब्लेंड कर दीजिए। ठीक है, इतना इतना ऐसे ब्लेंडिंग कर दें। चलिए इसके बाद में फिर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा वाइट ऐड करते हैं इसके साथ, यहाँ हाईलाइट देते हुए थोड़ा सा वाइट। ठीक है, फिर वाइट के साथ थोड़ा सा येलो, और प्योर वाइट नहीं लगाएंगे, हल्का सा येलो। हाँ, आपके पास अगर सॉफ्ट पेस्टल की पेंसिल हो तो और भी आप रियलिस्टिक काम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा बैलेंस बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये नुकीला है और आपको थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा इसके लिए। अब मैं हल्के हाथ से इसको ब्लेंड कर रहा हूँ। थोड़ा पेपर भी अच्छी क्वालिटी का होगा तो उसमें आप थोड़ा अच्छे से बना पाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें थोड़ा सा डार्क कलर, नीचे की साइड में आपको थोड़ा सा डार्क कलर लेना है, यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कर दीजिए नीचे नीचे के एरिया में, कुछ यहाँ ऊपर के एरिया में, एक शेप परफेक्ट आ जाए। इस टाइप से आपको डार्क कलर यूज़ करना है। ठीक है, अब इसको भी आप हल्के हाथ से या थोड़ा सा ग्रीन लेके, थोड़ा ग्रीन से ऐसे ब्लेंड कर दीजिए। ठीक है, हल्का सा। चलिए मैं इसमें थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा डार्क देने की और कोशिश कर रहा हूँ, हल्का हल्का और डार्क का इफेक्ट देते हैं। उतना परफेक्ट मिक्सिंग तो नहीं आ पा रही है, पर फिर भी अपना काम हो जाएगा। या पेंसिल से भी आप
हल्का हल्का इसको ठीक कर सकते हैं पेंसिल लेके। इसकी जो लाइनिंग है थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, हल्की हल्की ब्लेंडिंग कर दीजिए पेंसिल से। हल्का सा जितना आपका हाथ सेट हो जाए हल्की हल्की ब्लेंडिंग कर दीजिए। ठीक है, मैं इतना ही कर पाऊंगा। अब इसमें आप एक बार और हाईलाइट दे दीजिए, एक हल्की सी हाईलाइट, हल्की सी हाईलाइट और दे देता हूँ और बहुत हल्का सा इसको ब्लेंड कर देना। ठीक है, इस तरीके से। अब लास्ट में जो है आपको वाइट वाइट से हाईलाइट करना है, इसको वाइट की हाईलाइट दे दीजिए इसमें। ठीक है, वाइट की हाईलाइट। चलिए इसके बाद में इसके आसपास में थोड़ा सा जो है कलर लगाते हैं। ये इसमें जो हाईलाइट आएगी ना आपकी, ये वाइट आएगा इधर से। ये वाइट एरिया आएगा, यहाँ पे हम वाइट डाल रहे हैं। अब वाइट में कौन सा कलर मिलाएं जो उसको डार्क कर दे। ठीक है, तो यहाँ वाइट से रिलेटेड कलर ये हैं, ये हम थोड़ा सा इसमें ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा इसको डार्क करने के लिए। यहाँ वाइट को ऐड कर सकते हो। फिर और थोड़ा सा डार्क करना आप इसके अंदर, थोड़ा सा इस साइड में ब्लू, या इसके साथ में हम यही मजेंटा वाला जो इफेक्ट है ये भी आप इसका जो डार्क पीछे की साइड में जो रोशनी है इसको दिखाने के लिए आप ये लाइनिंग दे दीजिए। ठीक है, फिर इसी में हल्का सा ब्लू ब्लू टोन देना है यहाँ पे। फिर ब्लू के बाद में आप थोड़ा स्काई ब्लू टाइप का कलर ले लीजिए। ठीक है ना, इस तरीके से। अब इसको ब्लेंड करते हैं, तो पहले इस साइड से ब्लेंड कर रहा हूँ मैं। यहाँ थोड़ा सा राउंड टाइप का कर ले और ये इसकी शेप थोड़ी सी कटिंग कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से। अब हल्का हल्का आपको यहाँ पे ब्लेंड करना है। ठीक है, इस तरीके से आप ब्लेंडिंग कर दीजिए। थोड़ी देर तो यहाँ से हल्का हल्का ब्लेंडिंग कर देना है और नीचे यस को बोल दो, वो अमित से बात कर लेगा। अच्छा अच्छा ठीक। अच्छा, ये इसमें भी जैसे हाईलाइट है ना, कैसे गिरेगी इधर से जब रोशनी आ रही है यहाँ से। ठीक है, ये आपका रोशनी वाला पार्ट है, तो इसकी रोशनी
इस किनारे पे गिरेगी, ठीक है ना, और कुछ यहाँ हल्की सी यहाँ इसके इस साइड में थोड़ी सी रोशनी आएगी, तो बाकी पार्ट क्या है आपका थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। जैसे इधर का थोड़ा सा हल्का सा डार्क कर दीजिए, इसके पास पास में आपको हल्की सी डार्क रोशनी, इसको हल्का सा ऐसे ब्लेंड कर दीजिए। और अंदर का पार्ट जो है आपका ब्राउनिश ब्राउन टाइप का या थोड़ा सा डार्क कलर का आएगा, ये वाला जो पार्ट है। रोशनी आपकी उधर दोनों तरफ जाएगी तो यहाँ हल्का सा डार्क कलर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पे भी जो है आप थोड़ा सा स्काई ब्लू टाइप से हैं, यहाँ एक लाइनिंग और इसके अंदर की साइड एक किनारी सी होती है ना, वो किनारी आप थोड़े से यहाँ लगा दीजिए ऐसे, या इसमें थोड़ा सा अंदर की साइड में थोड़ा सा डार्क कलर का एक लाइनिंग मार दी। फिर हाईलाइट के लिए वाइट की जो एक लाइनिंग देनी है आपको, और इसको भी आप हल्का सा ब्लेंड कर दीजिए, यहाँ हल्का हल्का और हाईलाइट आप दे सकते हैं। ठीक है, इतना पार्ट समझ में आ गया। चलिए अब हम इधर वाले पार्ट पे चलते हैं। अब इधर वाले पार्ट के लिए यहाँ पे हम बनाएंगे वही जो आप यहाँ इधर इधर का एरिया जैसे हम डार्क का करते आए हैं, तो इधर हम थोड़ा सा डार्क कलर ले रहे हैं। ठीक है, या एक बाहर की जो शेप है यहाँ थोड़ी सी डार्क कर लीजिए, तो ये हमें दिखती रहेगी। इसके पास में आपको ब्लैक ऐड करना है, इसके साथ थोड़ा सा ब्लैक ऐड करना है, इस लाइन के साथ थोड़ा सा ब्लैक ऐड कर दीजिए। ठीक है, हल्का सा ब्लैक यहाँ पे, और इसके बाद में आपको लाइट एक ये एरिया थोड़ा सा इधर से रेड, और इसके आसपास में थोड़ा सा रेड। ठीक है, और इसमें आप ऑरेंज भी ऐड कर सकते हो, थोड़ा हाईलाइट के लिए ऑरेंज की हाईलाइट भी दे सकते हो। फिर वाइट वाइट को मिक्स कर दीजिए, या थोड़ा वाइट, ठीक है, वाइट के साथ थोड़ा हल्का हल्का रेड। अब आपकी जो रोशनी है वो यहाँ यहाँ है, इस जगह हाईलाइट आ रही है आपकी, और थोड़ी बहुत हाईलाइट इधर गिरेगी। अब इनको आप ब्लेंड कर दीजिए, यहाँ थोड़ा रेड से और ब्लेंड कर देता। आगे की साइड में आप और हाईलाइट दिखाना चाहते हैं तो यहाँ थोड़ा सा रेड की लाइन, सॉरी वाइट की लाइन देनी है आपको, वाइट के साथ थोड़ा रेड ब्लेंड करेंगे, तो ये थोड़ा लाइट एरिया हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इसमें ज़्यादा डार्क कलर तो यूज़ नहीं हो रहे हैं, और मेरे पास ज़्यादा कलर भी नहीं है। वैसे क्रिम्सन कलर होता तो और भी बेस्ट था, पर क्रिम्सन हमारे पास नहीं है, तो जो कलर हैं उसी को इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ हल्का सा ब्लेंड कर देना है, ये एरिया नीचे अंदर डार्क का है। ठीक है, और थोड़ा यहाँ जो है रेड, यहाँ थोड़ा सा रेड कर देना है, इसे कुछ यहाँ पे रेड कर देना, और ये आगे की साइड में यहाँ तो रेड आ गई। अब इसको हल्का सा ब्लेंड कर देना है। हल्का हल्का ब्लेंड कर दीजिए इसका। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा ब्लेंड, प्रॉपर कलर नहीं है अपने पास,
तो जो हैं उसी से काम चलाएंगे। यहाँ थोड़ा सा और रेड लगा देता हूँ, और रेड के बाद में थोड़ा सा ऑरेंज। तो ब्लैक के वाइट पे जो कलर चढ़ते हैं वो ब्लैक पे नहीं चढ़ते हैं, थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है उसमें। तो हल्का सा ऐसे ब्लेंड कर देना है। अब यहाँ पे भी आपको हाईलाइट, ये हाईलाइट दे देनी है, ठीक है। शाइनिंग यहाँ पे दिखा दें कुछ, आप हल्का सा आगे की साइड में हल्की सी शाइनिंग दे दीजिए। चलिए, हाँ, यहाँ पे हम दूसरा कोई आर्टिकल चुन लेते हैं, एक छोटा सा आर्टिकल। यहाँ पे इधर भी डार्क लाइट का ही दे देते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा ये लाइट गुलाबी कलर लिया है, फिर यहाँ पे मैंने रेड ले लिया है, फिर इसके बीच में थोड़ा ऑरेंज, ठीक है। और फिर इसमें और हाईलाइट के लिए थोड़ा सा लाइट कलर है मेरे पास, तो ये लगा देता हूँ। साइड में आपको इसको डार्क से ब्लेंड करना है, थोड़ा ब्लैक ले लीजिए। अब ब्लैक तो दिखेगा नहीं, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा साइड में हल्का सा ये बैंगनी टाइप का कलर दे रहे हैं, और इसको हल्का सा ब्लेंड कर देना है। ठीक है, तो ये दो आर्टिकल छोटे छोटे बना दिए हैं। अब इसमें जितना हम काम करते जाएंगे ना, वैसे और भी आप इसको रियलिस्टिक बना सकते हो। और इसमें क्या है कि आपको थोड़ा तोड़ करके या और अच्छे से आप जैसे बेटर तरीके से यूज कर पाएँ वैसे कर सकते हैं। चलिए, अब आप ये पर्दे भी बना सकते हैं। पर्दे के लिए कौन सा कलर लेंगे? चलिए, यहाँ पे मैं ब्लू से लेता हूँ, तो यहाँ थोड़ा नेवी ब्लू लगा दिया मैंने, ठीक है। एक लाइट एक डार्क का कुछ यहाँ से जाता हुआ इस टाइप से, ये पर्दे का थोड़ा सा मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब इसका जो लाइट वर्जन है, ये हाईलाइट है, थोड़ी सी रोशनी यहाँ पे दिखा देनी है। या हल्का सा पड़ते का, और इसको ब्लेंड कर देना है हल्का हल्का, तो डिफ्यूज़ कर देंगे इसको। पहले जॉइंट जॉइंट मिक्स कर दीजिए। कभी बनाना हो आपको, चाहे ऑयल में बनाइए या किसी में भी बनाइए, तो इस टाइप से आप पड़ता दे सकते हैं। ठीक है, हल्का हल्का, ज़्यादा गहरा नहीं बनाना है, हल्का हल्का ऐसे ब्लेंड कर दिया। फिर आप वापस ब्लू ले लीजिए, ब्लू एक हल्की सी लाइन ब्लू की ओर निकाल दीजिए। और ज़्यादा पीछे एरिया डार्क कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये प्लेन प्लेन निकाल दिया मैंने ऐसे। फिर हाईलाइट देना है ग्रीन से या किसी और से भी, आपको हल्की सी हाईलाइट, ठीक है। इधर इधर थोड़ी सी रोशनी गिर रही है, तो यहाँ फिर अंदर की तरफ आप उसको ज़्यादा गहरा या और ज़्यादा गहरा, तो ज़्यादा डार्क ग्रीन से इसका हल्का हल्का ब्लेंड कर दें इसको। अब हल्का हाथ से आपको हल्का हल्का ऐसे ब्लेंड कर देना। ठीक है, इतना आपका प्लेन कलर हो जाए। चलिए, इसके लिए अब मैं नीचे डिफरेंट कलर चुन रहा हूँ यहाँ पे, ये हाईलाइट, और इसके आसपास में थोड़ा डार्क, ओ सॉरी टूट गया है,
यहाँ फिर और ज़्यादा डार्क देने के लिए यहाँ पे आप ब्राउनिश कलर, ये पीछे का बेस, ठीक है, ये पीछे का बेस हो जाएगा इसका, ये पीछे का बैकग्राउंड, यहाँ थोड़ी सी रोशनी आ रही है, इसी के साथ थोड़ा सा ब्लैक, यहाँ से आपको थोड़ा ब्लैक ऐड करना है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा ब्लैक मिक्स कर दीजिए इसमें, ये पीछे का पार्ट हो गया, बेस पीछे की साइड का, ऐसा ही आपको इधर लगाना है, तो थोड़ा सा डार्क ब्राउन, फिर इसके आसपास में थोड़ा ब्लैक लगा लीजिए, और हल्का सा ब्लेंड कर दें, ठीक है। हाईलाइट के लिए थोड़ा सा ऑरेंज कलर, पीछे थोड़ी सी हाईलाइट के लिए यहाँ यहाँ थोड़ा ऑरेंज की साइड दिखा दीजिए, फिर वापस थोड़ा सा ब्राउन लगा लीजिए यहाँ पे, ये पीछे का, और इसको हाईलाइट करने के लिए फिर ऑरेंज, यहाँ पे ऑरेंज कलर लगा दीजिए। यहाँ हल्का सा ब्लेंड कर दीजिए इसको भी, ठीक है, यहाँ पे छोड़ दीजिए इसको। इसके पास में अब आपको थोड़ा सा ब्लैक ऐड कर देना है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा ब्लैक ऐड कर दीजिए, और इसके नीचे थोड़ा सा ब्लैक, यहाँ आपको डिस्टेंस दिखनी चाहिए ना, ये इसके पीछे का पार्ट है, तो यहाँ थोड़ी सी डार्कनेस आएगी, यहाँ पे भी थोड़ा सा डार्क ब्लू ले सकते हो, हल्का हल्का इस जगह डार्क ब्लू, हल्का हल्का ब्लेंड कर दीजिए इसका, ठीक है। अब ये फ्रंट का एरिया हो गया, तो यहाँ पे थोड़ी सी हाईलाइट दिखानी पड़ेगी आपको, हल्की सी हाईलाइट दे रहे हैं, तो लाइट ब्राउन या कोई सा भी लाइट कलर आप दे दीजिए, ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें थोड़ा सा हम ब्लैक का काम कर देते हैं, तो ब्लैक में यहाँ थोड़ा सा पेंसिल ले लेता हूँ, तो इसकी जो लाइनिंग है थोड़ा सफाई के साथ करनी है,
ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा सफाई दिखा दीजिए इसके अंदर। और यहाँ हल्का हल्का डार्क, यहाँ पे भी आपको इसके नीचे नीचे थोड़ा सा डार्क करना है, तो आप ब्लैक ले लीजिए या इससे किससे भी बना दीजिए, थोड़ा सा डार्क करना है और हल्का हल्का इसको ब्लेंड कर देना है। ठीक है, तो ये आपका फ्रंट का एरिया हो गया। और वो जो पार्ट है आपका बैक पोर्शन है, ये जो आपका ये पीछे का एरिया है, ये बैक पोर्शन है। एक यहाँ पे थोड़ा सा डार्क करेंगे, ये एरिया थोड़ा सा डार्क कर दीजिए, यहाँ ब्लू डार्क ब्लू और ऐड कर दीजिए, और थोड़ी सी इधर भी कटिंग करनी है आपको। हल्का हल्का इसको ब्लेंड कर दीजिए, ठीक है ना, इस तरीके से हल्का सा ब्लेंड। यहाँ पे आइए, अब इसके नीचे जो है थोड़ा सा डार्क की शेप करनी है, हल्का सा इधर डार्क करके पीछे, और यहाँ हल्का सा ऐसे दिखा दीजिए, शेप को सही कर दीजिए। ठीक है, हल्का हल्का यहाँ पे ब्लैक या थोड़ा सा डार्क ग्रीन यूज कर लीजिए, इस जगह हल्का सा डार्क ग्रीन यूज कर लीजिए और हल्का हाथ से इसको ब्लेंड कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये थोड़ी इसकी शेडो आप नीचे भी कर सकते हैं, थोड़ी सी कि ये शेडो इसकी गिर रही है। फिर इसके बाद इसका नंबर लेते हैं, यहाँ से जो आपको थोड़ी सी लाइनिंग देनी है इसकी शेप सही करते हुए, इसकी भी हल्की सी शेडो यहाँ पे लगा दी, या हल्का सा इसके आसपास में थोड़ा सा ब्लू कलर हल्का सा डाल दीजिए और हल्के हाथ से इसकी भी ब्लेंडिंग कर दीजिए, ठीक है, इस तरीके से। चलिए, इसमें भी फिर यहाँ पे हम हल्का सा डार्क कलर करेंगे, क्योंकि जब हम ये सब देख रहे होते हैं ना, तो इधर से जो रोशनी जाएगी वो उल्टी साइड में थोड़ा सा यहाँ पे डार्क होगी, थोड़ा सा डार्क ग्रीन इसके साथ थोड़ा सा ब्लेंड कर दें, हल्का हल्का हल्के हाथ से इसको ब्लेंडिंग दे दें, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, यहाँ की शेप को थोड़ा सा डार्क करेंगे, ये इसको सही कर दीजिए, यहाँ से भी थोड़ा सा डार्क कर दीजिए इसको, या थोड़ा सा वो डार्क कर देते हैं। चलिए, इसके बाद यहाँ बार की शेप में इसकी थोड़ी सी हल्का सा डार्क से कटिंग कर देते हैं, और इसको ऊपर की साइड में ऐसे ब्लेंड कर दीजिए, फिर यहाँ पे भी थोड़ा सा डार्क कर देना है, चलिए यहाँ की शेप को भी ठीक कर दीजिए थोड़ी सफाई के साथ, ये जो लाइन है जिगजेट नहीं हो, पेपर थोड़ा सा क्या है कि उतना सही नहीं है, तो पेपर की क्वालिटी बहुत मायने रखते हैं। यहाँ से थोड़ा सा डार्क, फिर इसकी बाहर की शेप,
ठीक है, ये भी थोड़ी सी डार्क कर दें। यहाँ हल्का सा इसको मिक्स कर दें। हेलो दीपिका जी, हेलो सबीना जी, हेलो श्रुति जी, नमस्ते। तो यहाँ के बाद में चलिए थोड़ा और ऊपर बढ़ते हैं, यहाँ फिनिशिंग करनी है आपको। यहाँ हल्का हल्का डार्क करना है आपके कलर, और हल्का सा इसको ब्लेंड कर दें। फिर इसके नीचे थोड़ा सा डार्क, और हल्का सा ब्लू से यहाँ शेडो देंगे। ठीक है, इतना। और अब आ जाते हैं इस वाले पार्ट में। अच्छा, नीचे का रह गया थोड़ा सा, यहाँ पे हल्की सी जो लाइनिंग दे दीजिए यहाँ पे। और एक डबल सीक लाइनिंग यहाँ पे, इसको भी हल्का हल्का ब्लेंड कर दीजिए। ठीक है, अब इसमें जैसे रोशनी गिरेगी तो यहाँ पे थोड़ी सी हाईलाइट आएगी, इस जगह थोड़ी सी हाईलाइट। ठीक है, इस तरीके से यहाँ हल्का हल्का इसको ब्लेंड कर दीजिए। चलिए इधर वाले पार्ट को करते हैं। यहाँ हल्का सा डार्क, यहाँ एक डबल सी लाइन, इसका डंठल, एक डंठल यहाँ पे भी आपको देना है। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा हाईलाइट, यहाँ पे हाईलाइट, यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसकी शेप को थोड़ा सा ठीक करते हैं। आप डार्क से इधर कटिंग कर दीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कलर लगा दीजिए। इसके नीचे थोड़ा सा डार्क देना है। ठीक है, इस तरह से यहाँ इसकी शेडो थोड़ी सी ज़्यादा, और इसमें आप ग्रीन वगैरह इस टाइप का कलर भी आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे शेडो के अंदर, थोड़ी सी लाइट शेडो के लिए, और हल्का सा इसको ब्लेंड कर दीजिए। ठीक है, हल्का हल्का। चलिए इसके बाद में इधर लेते हैं, यहाँ आपको डार्क की लाइन देनी है। ये पीछे का एरिया तो ये थोड़ा डार्क हो जाएगा, और इस लाइनिंग में आ जाइए, ये मिक्स कर देना है। यहाँ से इन लाइनों को इधर से मिक्स कर देना ब्लैक कलर से। ठीक है, ये हल्का हल्का ब्लेंड कर दीजिए इसको। तो कपड़ा थोड़ा सा ही अपने को हाईलाइट दिखाना है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा इसको कट करता हूँ मैं। अब इसकी यहाँ पे टहनियाँ बना दीजिए, कुछ इसमें से निकलती हुई यहाँ से। ठीक है, और इसका हाईलाइट थोड़ी सी रोशनी आपको, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा हाईलाइट, यहाँ से थोड़ा सा डार्क कलर, ये आपका इधर थोड़ा सा डार्क करिए, थोड़ा यहाँ बैंड देना है।
तो ब्रांड देख करके इसमें थोड़ा सा रेड टच कर देंगे। ठीक है, चलिए इसमें और हाईलाइट देनी है तो यहाँ से थोड़ा सा हाईलाइट। यहाँ हाईलाइट इधर दे सकते हैं, यहाँ हाईलाइट दे सकते हैं ऐसे। ठीक है, इस तरीके से आप बना लीजिए। मैं ज़्यादा मास्टर नहीं हूँ इस काम के लिए, जितना मेरे को समझ में आ रहा है मैं उतना बता पा रहा हूँ आपको। थोड़ा टाइम चाहिए ये काम जो है, थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, पेशेंस ज़रूर रखना पड़ेगा इसके लिए, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। हल्का हल्का ये ब्लू डालना है, या हाईलाइट और चाहें तो आप इसकी हाईलाइट या यहाँ से थोड़ी सी हाईलाइट। ठीक है, इस तरीके से। तो स्टिल लाइफ की तो क्लास, सॉरी मतलब इसके 3 दिन के लिए कहा था मैंने, 3 सब्जेक्ट के लिए। वैसे तो करें तो बहुत सारे हैं, पर जितना भी हो जाए उतना ही बहुत है, क्योंकि अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो हम चाह रहे हैं कि आपको पूरे जो क्लासें हमारी अधूरी रह गई थी वो कंप्लीट करें आगे। यहाँ हाईलाइट दे दीजिए, इधर हाईलाइट, यहाँ से थोड़ी सी इसकी हाईलाइट। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा हाईलाइट, इसके इधर थोड़ा सा हाईलाइट दे देना, और यहाँ हो गया हाईलाइट का। यहाँ थोड़ा सा हाईलाइट करो। तो चलिए अब एंड करता हूँ इस क्लास को। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं उतना मास्टर नहीं हूँ, थोड़ा सा मैंने कोशिश किया है आपको समझाने का, तो आप भी ट्राई कीजिए। देखिए, कोई भी चीज़ हम कहीं बचपन से तो सीख के नहीं आते हैं, हम यहीं इसी दुनिया से सीखते हैं, और आपको भी वो कोशिश ज़रूर करते रहना है। कोशिश करेंगे तो ज़रूर हम कामयाब होंगे, तो वो कोशिश आप करोगे तो ज़रूर आपको सफलता ही मिलेगी। ठीक है, चलिए अभी के लिए तो मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती टाइम दिया, और आज की क्लास को यहीं पे एंड करता हूँ। हल्के से हाईलाइट आप यहाँ पे और थोड़ा सा डिफरेंट कर सकते हैं, ठीक है, या और ज़्यादा आपको डिज़ाइनिंग कुछ चाहिए तो इसमें आप हल्का फुल्का वर्क दिखा सकते हैं। तो ये डिज़ाइन आप कलर पर्दे की बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो मैं एंड करता हूँ क्लास को।
धन्यवाद आप सब लोगों का। आप ट्राई कीजिए, ज़रूरी नहीं है आपके पास जो भी मटेरियल है जैसा भी आप बना पाएँ, कोशिश ज़रूर करते रहना है, ठीक है? कोशिश करेंगे तो हम ज़रूर कामयाब होंगे, और प्रयासरत रहना चाहिए हमेशा, तो हम ज़रूर सफलता प्राप्त करेंगे। एक बार नहीं बनेगा, दो बार नहीं बनेगा, तीसरी बार में बनेगा, ठीक है? तब तक के लिए नमस्कार। हेलो दर्श कॉलेज जी, वीना जी नमस्ते। हेलो देवव्रती मुखर्जी, तो चलिए आपसे विदा ले रहा हूँ अभी के लिए। राधिका जी, शिखा जी नमस्ते।